टोटल को पढ़ चुके हैं। क्या मतलब कि क्रिटिसिज्म एक ऐसी बुक है जिसको समझने से पहले आपको ये ज़रूर एनालाइज कर लेना चाहिए कि ये हमें बुक जो है ये किस किस्म के कॉन्सेप्ट दे रही है, ठीक है। उसके लिए क्रिटिसिज्म होता क्या है ये माइंड में ज़रूर आपके होना चाहिए। 1-1, 2-2 वर्ड्स बता दो जो भी आपके माइंड में, कि क्रिटिक क्या होता है या क्रिटिसिज्म क्यों कैसे होता है, क्रिटिसिज्म किसको कहते हैं। इसकी वैल्यूज को भाभी लाने के लिए या फिर उसकी खराबियों को भाभी लाने के इसे लिए बोल रहे जिसे आर्टिस्ट की परसेप्शंस के आइडियाज विद लॉजिक। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा आपका क्या फायदा हो चीज के बैड और गुड पॉइंट्स को बोल रहे आपका यही है मेरा। अच्छा हाँ बिल्कुल, आपने ठीक इसको डिफाइन किया। क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है, क्रिटिसाइज जब हम कहते हैं कि क्रिटिसाइज करें इस चीज़ को, तो उसका मतलब यही होता है कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को सामने लेकर आना, ठीक है। कोई भी राइटर है या ऑथर है, वो जब भी क्रिटिसाइज करता है तो वो किसी ना किसी चीज़ को सामने रख के उसको क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। फिर क्रिटिक्स भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। मैं 3 तरह के क्रिटिक्स के बारे में आज आपको थोड़ा सा बता दूंगी, ओवरव्यू दे दूंगी, क्योंकि क्रिटिसिज्म के बुक के अंदर जो आपने ये पढ़ा है, एरिस्टोटल किसी और टाइप का क्रिटिक है, ये सीलियट है, ये किसी और टाइप का क्रिटिक है, ठीक है। नहीं, फीमेल है ये, इसका पूरा नाम है, मेल है, मेल है, मेल। अभी फीमेल आती है। अच्छा फीमेल आ रही है, फीमेल हो रही है, फीमेल बनाती है। हाँ मेल है, हाँ थोड़ा सा नाम से शायद होता है, फिर पूरा नाम इसका है थॉमस टर्न इलियट है इसका पूरा नाम। हाँ तो ठीक है, तो क्रिटिसिज्म हमने देख लिए थे, व्हाट इज क्रिटिसिज्म, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को सामने लेकर आना, ये होता है क्रिटिसिज्म, ठीक है। इन जनरल वर्ड्स हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब टी एस इलियट की हम थोड़ी सी बात कर लें। टी एस इलियट जो था बाय प्रोफेशन ही वॉज पोइट एज वेल एज क्रिटिक एज वेल एज ड्रामाटिस्ट, ड्रामा भी इसने लिखे हैं, चंद एक ड्रामाज लिखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इसको जिसे कहना चाहिए, दुनिया ने इसको जिस नाम से जाना है या इसका लोहा इसने अपना मनवाया है, वो है क्रिटिसिज्म की वजह से। ये क्रिटिक बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा फेवर मिली है और दुनिया ने इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया है, इसकी क्रिटिसिज्म जो जिस जिस चीज़ पे भी इसने क्रिटिसिज्म अपना दिया था। अब ये राइटर जो है ये बिलोंग करता है 20th सेंचुरी से। अब ये इतना प्रोमिनेंट है कि 20th सेंचुरी को जब ये चीज़ें लिख रहा था तो 20th सेंचुरी को एज ऑफ टी एस इलियट भी कहा गया है, ठीक है। जिस तरह आपने पढ़ा था अलेक्जेंडर पोप, तो उसको कहा जाता था एज ऑफ पोप या एज ऑफ रीजन, ठीक है। इसी तरह जैसे एलिजाबेथन एज थी जिसमें ये भी ठहरा हुआ है, जोन डन वगैरह, ठीक है, या ये ठहरा हुआ है शेक्सपियर। तो इस तरह से मुख्तलिफ एज, जिस तरह एजेस में जो प्रोमिनेंट लोग थे उस नाम से फिर उस एज को भी रिप्रेजेंट किया जाता था, इसी तरह 20th सेंचुरी को भी एज ऑफ इलियट भी कहा जाता है। अब इसने प्रोमिनेंट हुआ, इसकी मोस्ट एक बहुत फेमस पोइम थी वेस्ट लैंड, उसका नाम है, अगर कभी आपको वक्त मिले तो आप इसको गूगल पे सर्च करके देखना। और एक इसने ऐसे लिखा था, ये पोइम है और ये ऐसे है, रिलीजन रिलीजियस लिटरेचर, ठीक है। अब ये इसका काफ़ी फेमस है, इन दो चीज़ों के बहुत ज़्यादा फेमस होने की वजह से इसको नोबल प्राइज मिला था, ओइंग टू हिज क्रिटिसिज्म, ठीक है, एंड ओइंग टू हिज राइटिंग। 1948 के अंदर इसको ये नोबल प्राइज दिया गया था। अब रिलीजियस लिटरेचर इस तरह की चीज़ें इसने इस वजह से भी लिखी हैं, एक चीज़ मैं मिस कर गई यहाँ पे, कि ये ट्रेडिशंस को बहुत मानता था, ठीक है, ट्रेडिशंस की ये बहुत फेवर में रहा है, कि ट्रेडिशंस के बगैर कोई भी शख्स जो है वो प्रोग्रेस गेन नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जो है
सॉरी ट्रेडिशंस के साथ, हाँ 5 ट्रेडिशंस के साथ होना चाहिए। अभी जब आप एक इसमें ऐसे हम पढ़ेंगे तो उसमें भी ट्रेडिशंस का जिक्र आएगा। उसके अलावा इसने हाँ मॉडर्न एज पे या मॉडर्न वर्ल्ड में इसके क्रिटिसिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा है मॉडर्न एज के ऊपर, मोस्टली 20th सेंचुरी में। ठीक है, अच्छा ये नोट कर रही हूँ, आप कर लो इसको। चलिए थोड़ा सा आप लिखते जो, मैं ओरली थोड़ा सा बता देती हूँ क्रिटिक्स के बारे में। अब क्रिटिक्स जो हैं वो इसके हवाले से या टीलेट के अंडर रहते हुए या ओवरऑल इसका अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो 3 तरह के मेजर क्रिटिक्स होते हैं। ठीक है, एक होता है इंडक्टिव क्रिटिक, INDUCTIVE, इंडक्टिव क्रिटिक। एक होता है इम्प्रेशनिस्ट क्रिटिक, ठीक है, इम्प्रेशन से निकला इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिक। और थर्ड वन होता है टेक्स्चुअल क्रिटिक, जो कि टेक्स्ट के ऊपर क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, फर्स्ट मैंने कहा इंडक्टिव क्रिटिक, सेकंड वन इज इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिक एंड थर्ड वन इज टेक्स्चुअल क्रिटिक। इंडक्टिव क्रिटिक वो होता है जो बकायदा किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर क्रिटिसाइज करता है विद रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। ठीक है, इंडक्टिव क्रिटिक इज वन हु क्रिटिसाइज अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस और हु गोज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, जो कि स्पेसिफिक चीज को लेकर जनरल की तरफ आता है, स्पेसिफिक चीज को हाईलाइट करके प्रोमिनेंट करके बताता है कि मैं इस चीज को देखने के बाद या इस चीज को एनालाइज करने के बाद मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बता रहा हूँ। ठीक है, इंडक्टिव क्रिटिक क्लियर हो गया क्या चीज है ये? इंडक्टिव क्रिटिक की एग्जांपल ये है, एरिस्टोटल इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है इंडक्टिव क्रिटिक की, क्योंकि एरिस्टोटल ने अपनी जो पोएटिक्स किताब लिखी वो उसने सोफोकलीस का ड्रामा एडिपस रेक्स को देखने के बाद और एनालाइज करने के बाद लिखी थी। ठीक है, यानी उसने स्पेसिफिक चीज को प्रोमिनेंट उसको करके सोफोकलीस के कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रख के तो उसने सारे के सारे ट्रेजेडी के ऊपर एक थ्योरी बना दी। ठीक है, सारी ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट्स उसने दे दिए, तो इस लिहाज से हम उसको कह सकते हैं कि ये इंडक्टिव क्रिटिक है। दूसरा मैंने आपको बताया इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिक। इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिक वो होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता या किसी स्पेसिफिक चीज को हाईलाइट करके उस पर क्रिटिसिज्म नहीं करता है, बल्कि वो अपने इम्प्रेशंस के ऊपर चीज़ों को क्रिटिसाइज कर देता है। उसने बस उसने ये नहीं कहना होता कि फलां चीज़ मैंने पढ़ी तो मेरी एनालाइजेशन ये है, वो इस तरह से चीज़ों को क्रिटिसाइज करता है कि उसके अंदर उसकी अपनी पर्सनैलिटी भी शो आउट होती है, उसके अपने इम्प्रेशन जो उसके माइंड में होते हैं वो शो आउट होते हैं। ठीक है, यानी उस इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म में हम ये नहीं कह सकते कि किसी चीज़ को स्पेसिफिक देख के इस बंदे ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है, बल्कि हम जनरली कहेंगे कि इसने अपने एक्सपीरियंसेस को शो आउट किया है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को माइंड में रख के इसने क्रिटिसाइज कर दिया है। तो वो इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिक होता है जिस जो अपने इम्प्रेशन शो कर देता है अपनी क्रिटिसिज्म के अंदर। थर्ड, अब इसकी एग्जांपल एसटी कॉलरेज भी है, वैसे एसटी कॉलरेज को तो आपने एज अ पोइट ही पढ़ा हुआ है, वैसे अगर एग्जांपल के तौर पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो उसको, तो उसको कहा जाता है कि इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिक है वो। ठीक है, क्रिटिक भी हो रहा है, और भी बहुत सी एग्जांपल्स इसमें कोट हो सकती हैं। इसके अलावा जो थर्ड मैंने बताया वो है टेक्स्चुअल क्रिटिक। टेक्स्चुअल क्रिटिक जो होते हैं वो जब क्रिटिसाइज चीज़ों को करते हैं तो वो ना ये देखते हैं कि मेरा जो इस चीज़ को पढ़ के मेरा इम्प्रेशन क्या है, इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिक की तरह वो ये नहीं देखते, और ना ही वो ये देखते हैं कि इस बंदे ने अगर कोई चीज़ लिखी है तो इसने क्या माइंड में रख के लिखी है। वो राइटर के साथ उनका कोई कंसर्न नहीं होता कि राइटर ने ये चीज़ क्यों लिखी, उसके माइंड में क्या था,
जैसे अभी हमने पढ़ा स्टीफन को, तो हमने जेन जो है इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, ठीक है ना, उसको हाईलाइट किया कि ये ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। लेकिन टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म वो होता है जिसमें एक क्रिटिक का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के साथ होता है कि लिखा क्या गया है, किसने लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, राइटर के माइंड में क्या था, इस चीज़ से टेक्सचुअल क्रिटिक का या टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म का कोई कनेक्शन नहीं है। बस ये इसमें ये बताया जाता है कि सामने क्या चीज़ लिखी गई है, ठीक है। अब हाँ, जब आप बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, जब आपके सामने, इसलिए मैंने इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया ताकि आपके माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाएं, जब वो आपके पास एक पैराग्राफ आएगा ना, आपको अगर इस चीज़ को क्रिटिसाइज करें तो वहाँ पे नहीं देखा जाए, वहाँ पे नहीं आपको पता होगा कि राइटर कौन है, किसने ये पॉइंट्स लिखे हैं, ये किसने लिख लिया पोइम, आपको नहीं पता होगा। इसीलिए तो वो आपको क्रिटिसाइज करने के लिए कहते हैं, इसलिए तो वो आपको क्रिटिसिज्म पढ़ा रहे हैं कि आप खुद क्रिटिक बन जाओ, ठीक है। वो आपकी उस वक्त टेक्सचुअल क्रिटिक होगी। जब टेक्सचुअल क्रिटिक होती है, क्रिटिसिज्म होती है, तो फिर हर एक के पॉइंट्स अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो उसमें वो इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते कि उसमें हर चीज़ फिर एक्सेप्टेबल हो जाती है, आपने जिस भी किस्म की उसके अंदर लिखी है बात, ठीक है, कि किसी को लग रहा है ये इमेजरी है, किसी को लग रहा है कोई सोशल इशू के ऊपर बात है, हाँ, मतलब उसमें ऐसा भी होता है कि आपको वर्ड की समझ नहीं आ रही, वर्ड के मीनिंग की समझ नहीं आपको आ रही, ठीक है। तो लेकिन उसमें वो उस चीज़ को आप फिर बोधन नहीं करते, जो भी आपके माइंड में इमेजरी बन रही होती है, जो आप उसको लिखते थे। अब जैसे हम लोगों ने लिखा था, तो हमारे जब हम पेपर दे गए थे, डिफरेंट व्यूज थे, ठीक है। मैंने तो जो मेरे जहन में आ रहा था उसमें तो उन्होंने मेंशन किया था कि वो शेक्सपियर की थी, तो मैंने तो उसमें मतलब वो मुझे तो बर्ड की इमेजरी लग रही थी कि बर्ड जो है वो इतना जंगल में, किसका था वो नहीं हमने किया था, अच्छा वो उसमें थी, अच्छा अच्छा हाँ उसमें मैंने तो मतलब इस टाइप का लिखा था कि वो एक बर्ड की इमेजरी है, और दिखाया जा रहा कि वो मतलब फॉरेस्ट के अंदर किस तरह से उसको मुश्किल फेस करनी पड़ती हैं, इस तरह की समटाइम इमेजरी थी कुछ उसमें। तो फिर उसमें हम रेफरेंसेस भी बुक कर सकते हैं, तो फिर मैंने रेफरेंसेस भी दिए थे कि एसटी कॉलेज ने भी बर्ड का जिक्र किया है अपनी पोएट्री के अंदर, अल्बाट्रोस का, ठीक है, कि उसने भी किया है, मुख्तलिफ किस्म के रेफरेंसेस के साथ आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन वो आपके सारा का सारा जो सारा का सारा वो अपना होता है, उसे मज़ा आता है वो क्वेश्चन करने का। कुछ पेपर्स में तो वो कंपल्सरी कर देते हैं कि ये क्वेश्चन कंपल्सरी है, कई दफ़ा वो नहीं करते, लेकिन अटैम्प्ट कर लेना मेरा ख्याल अच्छा है दूसरे क्वेश्चन की नस्बत। लेकिन ये कि बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपकी अच्छी हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, तो बस। अच्छा अब हम क्या बात करने वाले हैं, अच्छा अब हम इस पर आ जाते हैं ऐसे पे। अब ये सीलेट में जो हमारा कंसर्न है, जो सिलेबस में आपकी चीज़ें शामिल हैं, वो हमने डिस्कस करना है, इसके टू एसेज को हमने डिस्कस करना है टी ए सीलेट के। फर्स्ट वाला जो एसे है वो है मेटाफिजिकल पोइट्स, ठीक है, ये इनको डिफेंस करता है, इस चीज़ के ऊपर ये बहस करेगा कि वो कैसे मेटाफिजिकल पोइट्स की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और क्यों वो उनको डिफेंस कर रहा है, ठीक है। सेकंड जो है वो कहता, सेकंड उसका जो एसे है वो है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ठीक है। ये काफ़ी आसान है मेटाफिजिकल पोइट्स का, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी पता ही हैं तकरीबन, ठीक है। ये थोड़ा सा है समझने वाली चीज़, ये वाला हम कल डिस्कस करेंगे, ये हम आज डिस्कस करेंगे मेटाफिजिकल पोइट्स। चलो आ जाएगी रिकॉर्डिंग तो हो ही, अच्छा। मेटाफिजिकल पोइट्स में Thank you.
जिसका वो कहता है कि मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं वो नाइदर क्वेंट होते हैं नोर फैंटास्टिक होते हैं. अब ये सारी की सारी बातें वो मेटाफिजिकल पोइट्री की डिफेंस में कर रहा है. ठीक है, ये इसका डिफेंस क्या गया. एक बात बस आप रिमाइंडर रख लेनी कि मेटाफिजिकल पोइट्री को टी एस एलियट ने डिफेंस किया है, मेटाफिजिकल पोइट्स को डिफेंड किया है, जैसे कि प्लेटो ने अगेंस्ट चला वो पोइट्री के. ठीक है, तो उसको डिफेंस किसने किया, आगे एरिस्टोटल ने उसको डिफेंस कर लिया. सेम लाइक दैट मेटाफिजिकल पोइट्स के जो लोग अगेंस्ट हैं उसके अगेंस्ट जो है टी एस एलियट ने उसको मेटाफिजिकल पोइट्स को डिफेंड दिया. फर्स्ट पॉइंट में लिखा है नाइदर क्वेंट नोर फैंटास्टिक. हाँ, मैं बीच को एक्सप्लेन करती हूँ. सेकेंड पॉइंट पे है कंट्रास्टिव इमेजेस. ठीक है, इसके साथ बेशक आप कोमा डाल के लिख लो. सेंसुअस इमेजिनेशन. थर्ड पे एसोसिएशन ऑफ द ऑथर with the reader. ये आज मैंने आपको सिर्फ नो आर्ट्स या नो पॉइंट्स बताने हैं. अगर आर्ट नो पॉइंट्स को डेली अगर दो पॉइंट्स को भी आप रिवाइज करते रहो तो आप कहोगे कि टी एस एलियट हमारी फिंगर टिप्स पे है. बस ये पॉइंट्स जहन में रखना ही जो है वो आपका टी एस एलियट कम्प्लीट हो जाता है. इसको आपने जहन में रख देना. ठीक है, थर्ड मैंने लिखा है एसोसिएशन ऑफ द ऑथर विद द रीडर. फोर्थ है यूनिफिकेशन. यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. Elizabethan tradition. Excitement. लास्ट पे हमने फिर डिस्कस करने हैं क्लेम्स ऑफ डॉक्टर जॉनसन, जिसको आप उसमें पार्ट वन में भी इसको पढ़ चुके हो. जिस डॉक्टर जॉनसन का जो मेटाफिजिकल वाला क्वेश्चन था ना, एंड में फिर हम इसके क्लेम्स डिस्कस करेंगे. यहाँ तक आप इसको लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. चलिए आप लिखते रहो, सात तक बता देते. अच्छा, फर्स्ट मैंने ये बात की है कि अच्छा नहीं सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता रही थी कि टी एस एलियट जो है उसने दो एसेज को रिप्रेजेंट किया है जिसको हमने डिस्कस करना है. फर्स्ट है मेटाफिजिकल पोइट्री. ठीक है, उसको टी एस एलियट ने डिफेंस किया है मेटाफिजिकल पोइट्री को. ठीक है, तो हमने ये पॉइंट डिस्कस करने हैं कि उसने क्यों डिफेंस दिया मेटाफिजिकल पोइट्री को. ठीक है, सेकेंड और फिर जिस राइटर ने क्लेम दिया
उसको इसने किस तरह से डिफेंस किया, जैसे एक तरफ प्लेटो था वो कुर्सी के अगेंस्ट बात करता गया और अरिस्टोटल उसकी डिफेंस में उसका आंसर देता गया। सेम लाइक दैट डॉक्टर जॉनसन जो है उसके ज़्यादातर क्लेम्स इसमें रखे गए हैं, डॉक्टर जॉनसन क्लेम्स उठाता है और जो डी एस सीलेट है वो उसके डिफेंस में आंसरिंग करता है। और दूसरा इसका टॉपिक हमने जो डिस्कस करना है वो है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो आज हम पढ़ रहे हैं मेटाफिजिकल फोर्स को इसने कैसे डिफेंस किया। पहली बात तो ये कहता है, अब वो फेवर दे रहा है मेटाफिजिकल पोएट्री को, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात कर दूँ। ये जो था 16, 17, 18 और 19 सेंचुरी, अच्छा ओके 15। अब आप ये क्या, अगर आपको मतलब हम ये पढ़ते हैं ना कि 15 सेंचुरी से 16 सेंचुरी जैसी ऑनवर्ड हुई तो रिनाइसा शुरू हो गया था, ठीक है। तो रिनाइसा जो है वो असल में सिर्फ यहाँ पे ही ख़त्म हो गया है, रिनाइसा यहाँ तक कहीं नहीं जा रहा। 15 और 16 तक रिनाइसा ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद लोगों के अंदर जब यहाँ पे उससे पहले क्या कॉन्सेप्ट था जिसको आप क्लासिसिज्म कहते हो, असल में जो ग्रीक थे उनको क्लासिसिज्म कहा जाता है, क्लासिकल उनको कहा जाता है, जो 5th सेंचुरी तक मौजूद थे। अब उसके अंदर रिलीजियस पीपल भी मौजूद थे और इंटेलेक्चुअल दोनों मौजूद थे, ठीक है। लेकिन उस वक्त काम क्या हो रहा था, राइटिंग के हवाले से क्या काम हो रहा था, फिर रिलीजियस प्लेस लिखे जाते थे, मिरिकल प्लेस लिखे जाते थे, जैसे कि एडिपस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका रिलीजन का कॉन्सेप्ट रखा गया है, ठीक है। लेकिन वैसे तो उसको मॉडर्न ड्रामा माना जाता है, लेकिन अभी हम उस बात में नहीं पढ़ते एडिपस को, मतलब मुख्य चीज़ें उसमें और भी निकलती हैं, वो फिर रेमंड विलियम आके डिस्कस करेगा इसमें। तो मैं ये कह रही हूँ कि ग्रीक, अगर ये पूछा जाए कि क्लासिकल कौन सा पीरियड है, तो क्लासिकल पीरियड जो है वो असल में ग्रीक है, ठीक है। आप जो पार्ट 1 के अंदर आप जितनी पोइट्री पढ़ते आए हो, आप कहते हो ये क्लासिकल पोइट्री है, तो वो क्लासिकल पोइट्री इस वजह से उसको कहा जाता है क्योंकि जितने राइटर्स ने बैठे वो रिनाइसा के अंदर होके लिख रहे थे, 16th सेंचुरी से बाप लिख रहे थे, लेकिन उसको क्लासिकल पोइट्री इसलिए कहा जाता था क्योंकि मुख्तलिफ राइटर्स का उसके अंदर अमलगेमेशन मौजूद है, मिक्सचर मौजूद है, क्योंकि उन राइटर्स ने बहुत ज़्यादा ग्रीक माइथोलॉजी का अपने अंदर जिक्र किया है। मिल्टन को ले लो, रेप ऑफ द लो को ले लो, ठीक है, और वो जैसे बाइट और सरे थे तो वो भी ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे थे, 14th सेंचुरी के ट्रेडिशन को उन्होंने फॉलो किया, तो क्लासिकल पोइट्री का नाम उसे इस वजह से दिया जाता है क्योंकि वो ग्रीक से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं, ठीक है। तो मैं बात ये करने वाली थी कि 15 सेंचुरी से पहले क्या था, यानी 5th सेंचुरी तक ग्रीक था, उसके बाद 6th सेंचुरी से लेके ऑनवर्ड 15th सेंचुरी तक मेडिवियल पीरियड रहा है, ठीक है, यानी रिलीजियस पीरियड रहा है। उसके अंदर कोई मतलब इंटेलेक्ट नहीं थी, लोगों के अंदर वर्ल्ड को दुनिया को देखने की कांट छांट करने की साहियत मौजूद नहीं थी। लेकिन जैसे ही 15th सेंचुरी से अबव का दौर शुरू हुआ तो फिर क्या हो गया, रिनाइसा उसी वक्त आ गई, बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ गई, लोगों ने चीज़ें डिस्कवर करना शुरू कर दी थी, ठीक है, साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही थी, गोल्ड की याद हो गई थी, फिर ये जैसे कोपरनिकस था उसने सोलर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था, इस तरह के और भी बहुत सी डिस्कवरीज हुई थी, अमेरिका का याद कर लिया गया था, ठीक है, इस तरह की डिस्कवरीज हो गई। तो उस एज को कहा गया कि रिनाइसा, ठीक है। अब रिनाइसा की जो एज है, अब हमारा ताल्लुक क्योंकि राइटिंग के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो रिनाइसा के अंदर दोनों किस्म की राइटिंग्स हो रही थी। इंटेलेक्चुअल पोइट्स भी थे जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्ट की ही बात करते थे, ठीक है, अगर वो इंटेलेक्ट की बात करते थे तो उनकी सारी पोइट्री में आपको सिर्फ इंटेलेक्ट ही नज़र आएगा, ठीक है, जो इमोशंस की बात करते थे उनकी सारी की सारी पोइट्री में सिर्फ इमोशंस ही नज़र आएगा, जैसे वाइट और सरे था, ठीक है, वो इटालियन सोनेटर पेट्रोलैक्स से इन्फ्लुएंस थे, वो इसी से पहले बैठा हुआ है 14th सेंचुरी में, ठीक है, उससे इन्फ्लुएंस हो गया, उन्होंने वो काम किया, तो वो सारा का सारा इमोशंस ही था, बिलवड की बातें थी, बिलवड की वर्शिप करो, उसकी इबादत करो, ठीक है, इमोशंस ही इमोशंस। यानी कहने का मतलब ये है कि जब एक राइटर लिखता था तो अगर वो इमोशंस लिखता था तो इमोशंस ही लिखता था, इंटेलेक्ट लिखता था तो इंटेलेक्ट ही लिखता था, ठीक है। उसके बाद जैसा ही रिनाइसा का एंड हुआ, ठीक है, अब ये सारा का सारा लिटरेचर बेसिकली हमारा यूरोपियन लिटरेचर है, यूरोप से रिलेटेड हैं चीज़ें, तो उस वक्त पॉलिटिकल हवाले से भी बहुत सी चीज़ें रोनुमा हो रही थी, पॉलिटिकल हवाले से कोई सदर गिर गया है, ठीक है, कोई नया सदर आ रहा है, इस तरह की भी चेंजेस हो रही थी, तो उन चेंजेस ने भी इफेक्ट डाले थे राइटर्स के ऊपर भी। तो जब जैसे ही यहाँ माना यही जाता है कि 16th सेंचुरी तक रिनाइसा ख़त्म हो गया था, उसके बाद जैसे ही 17th सेंचुरी आई तो लोगों का कुछ राइटर्स ऐसे थे, कुछ ग्रुप ऑफ राइटर्स ऐसे थे जिन्होंने एक नए तर्ज की पोइट्री करने की कोशिश की, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम मिक्सचर ऑफ फ्यूजन ऑफ इंटेलेक्ट और इमोशन करके देखते हैं,
ठीक है, उसमें सबसे पहला कैनन माना जाता है, कैनन कहते हैं लीडर को, ठीक है, लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री माना जाता है इसको, जोन डन को, ठीक है, वो सबसे पहले तब्दीली लेकर आया था, इसीलिए हम कहते हैं ना, हमने पार्ट वन में भी पढ़ा था कि उसने रिजेक्ट कर दिया था उसको, पेट्रल रैकन जो मॉडल था, ठीक है, पहले पोएट्री पढ़ा था ना मेटाफिजिकल पोएट्री के क्वेश्चन में, है ना, जोन डन नहीं पढ़ा, जोन डन भी पढ़ा, अच्छा, ये उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो पेट्रारैक था ना, पहले एक ट्रेडिशन थी 14वीं सदी में आई थी, पेट्रारैक इटालियन सोनेटर था जिसने पोइम, हाँ वाइट और सरे में पढ़ा था, असल में पहले, उससे पहले असल में बैकग्राउंड में ये है सिलसिला कि 14वीं सेंचुरी में जब पेट्रारैक आया है तो एक जिसे कहते हैं ना कि एक बंदा बैठा है आगे से, सबने वो ट्रेडिशन बना ली, उसको फॉलो करते हुए काम करना शुरू कर दिया, तो पेट्रारैक को फॉलो कर रहे थे। जब जोन डन आया 17वीं सेंचुरी में तो वो चेंजेस लेकर आया, उसने कहा कि उसने उस पेट्रारैक ट्रेडिशन को निग्लेक्ट किया, क्योंकि पहले कहा जाता था कि पोल्ट्री के अंदर आप ऐसे ही चीज़ लिखोगे, आप जी जो फीमेल होती है ना वो गोडेस होती है और उसकी वर्शिप करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जब ये आया जोन डन तो उसकी पोएट्री में आप देखो स्टायर भी है, बिलवर्ड के ऊपर भी उसकी पोएट्री, इमोशंस भी है उसके अंदर, तो उसने फीमेल के ऊपर स्टायर भी किया हुआ है, ठीक है, मुख्य चीज़ें उसने मिक्सचर कर दिया उन चीज़ों का। तो बेसिक कहने की बात यह, बस इतनी सी बात आप माइंड में रख लो कि रेनाइसा जब था तो सेपरेट थी चीज़ें, जो इंटेलेक्चुअल बंदा था वो इंटेलेक्ट के पीछे ही भाग रहा था, जो इमोशनल बंदा था वो इमोशंस ही लिख रहा था सिर्फ, लेकिन जब 17वीं सेंचुरी आई और ये आया जोन डन आया तो इसने मेटाफिजिकल पोएट्री की बुनियाद रखी और इसने अपनी पोएट्री के अंदर पहली मरतबा जिसे कहना चाहिए रेवोल्यूशन ही लेकर आया एक तरह की, और इसने फ्यूजन ऑफ इंटेलेक्ट और इमोशन कर दिया पोएट्री के अंदर। फिर और इसे 17वीं सेंचुरी को यू नो कहा जाता है ना, एलिजाबेथन एज भी इसको कहा जाता है, ठीक है, शेक्सपियर भी इसी एज में ठहरा हुआ है, इसीलिए ये भी कहा जाता है कि टी.एस. एलियट के मुताबिक कि वो कहता है कि ये जो मेटाफिजिकल पोएट्री है ना, जिस तरह पहले कहते थे कि पेट्रारैकन ट्रेडिशन चला हुआ था, इस तरह टी.एस. एलियट इस बात का दावा करता है कि मेटाफिजिकल पोएट्री जिनकी अच्छी होती है, फ्यूजन ऑफ इंटेलेक्ट और इमोशन दोनों इसके अंदर होते हैं, इसलिए वो कहता था कि इसे एलिजाबेथन ट्रेडिशन का नाम दो इस पोएट्री को, कि ये एलिजाबेथन के बाद ये ट्रेडिशन होनी चाहिए, इसको ही फॉलो करना चाहिए, पिक करना चाहिए अगले आने वाले राइटर्स को, क्योंकि ये एक अच्छी किस्म की राइटिंग है, ठीक है, अच्छी किस्म की पोएट्री है, क्योंकि यहाँ पे एलिजाबेथ जो क्वीन थी उसने हुकूमत की थी ना 17वीं सेंचुरी में, तो इस वजह से यूरोप में, तो इस वजह से उसको फिर एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है। और राइटिंग के हवाले से फिर हम ये कहते हैं कि शेक्सपियर, जोन डन जैसे राइटर्स जो हैं वो इसके अंदर वेरी करते हैं इस एज के अंदर, हाँ, लेकिन मेटाफिजिकल अब कहने की बात यह है, यह सी रखें तो ये कहा था, हाँ मार्लो भी आ जाता है कि मार्लो ऐसे यहाँ तक ठहरा हुआ है पीछे रेनाइसा तक। तो अब बात नहीं करेंगे, हाँ मैं ये कह रही थी कि टी.एस. एलियट ये कहता है कि इसको क्या होना चाहिए, मेटाफिजिकल पोएट्री को एलिजाबेथन ट्रेडिशन बना दो, ठीक है, राइटर्स इसको फॉलो करें। अब बात, लेकिन उसकी बात मानी नहीं गई, ठीक है, वो तो एज अ क्रिटिक कह रहा था, लेकिन 16वीं सेंचुरी से ऑनवर्ड, जैसे 17वीं सेंचुरी की शुरुआत होती है, तकरीबन 1660 तक सिर्फ ये चीज़ कायम रही है, ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्री काम करते रहे 1660 तक। उसके बाद 1660 के बाद जॉन मिल्टन आ गया था, ठीक है, जिसे आपने पढ़ा है पार्ट वन के अंदर। जॉन मिल्टन जब आया है तो वो कहा जाता है कि वो ट्रू क्लासिसिज्म की फेवर में था, ठीक है, उसने फिर रिवाइव कर लिया उन पुरानी चीज़ों को, क्योंकि वो हाईली रिलीजियस पर्सन माना जाता है जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट जिसकी आपने पढ़ी है, ठीक है, वो आ गया, वो फिर अपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आ गया 17वीं सेंचुरी की मिड में, ठीक है, यानी कि ये कह लो कि 17वीं सेंचुरी डिवाइड है, एक तरफ आधी सेंचुरी में मेटाफिजिकल पोएट्स ठहरे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद फिर जॉन मिल्टन आया, फिर जैसे 17वीं सेंचुरी ख़त्म हुई है तो आपकी 18वीं सेंचुरी में आके फिर चीज़ें बदली, हाँ बिल्कुल, फिर पोप आ गया, फिर यहाँ पे एक दफ़ा आई रिलीजन आया पैराडाइज लॉस्ट के साथ, मिल्टन के साथ, फिर उसके बाद 18वीं सेंचुरी जब आई तो एज ऑफ रीज़न स्टार्ट हो गई, ठीक है, यानी वही पुरानी चीज़ें लोगों ने रिवाइव करना शुरू कर दी ना, मेटाफिजिकल पोएट्स जैसे ही आए ना लोग उनके अगेंस्ट हो गए, राइटर्स सारे उनके अगेंस्ट हो गए, मिल्टन खड़ा हो गया, उसने सारी की सारी रिलीजियस व्यूज देना शुरू कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो पोप था अलेक्जेंडर पोप, वो भी मेटाफिजिकल पोएट्स के अगेंस्ट था, बहुत सख्त किस्म का वो इसके अगेंस्ट था, तो उसने फिर जो है बहुत स्टाइल किया
सारी की सारी रीजन ही उसने दी है अपनी पोएट्री के अंदर, ठीक है। इसलिए उसको एज ऑफ रीजन या एज ऑफ पोप भी कहा जाता है 18th सेंचुरी को, ठीक है। इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, सिर्फ रीजन ही रीजन है और टायर ही टायर है। उसके बाद 19th सेंचुरी में आके शुरू हुआ रोमांटिसिज्म, जिसको आपने ये एफ टी कॉलेज को पढ़ाई को पढ़ लिया है ना, एज रोमांटिसिज्म रोमांटिक पोइट। 19th सेंचुरी में फिर रोमांटिसिज्म का आगाज हुआ था। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था। अब यानी कि ये आपको पता चल गया कि मेटाफिजिकल पोइट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, और कितनी देर तक वो कायम रहे हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि टी.एस. सीलर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये कहता है कि मेटाफिजिकल पोइट क्वालिटीज बयान करता है कि क्यों अच्छे होते हैं मेटाफिजिकल पोइट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है नाइदर दे आर नाइदर क्वेंट नोर फैंटास्टिक। वो कहता है ना ही ना तो ये अच्छा। एक और बात इंपॉर्टेंट है मैं हाईलाइट यहाँ पे कर दूँ कि जो टी.एस. सीलर है, क्योंकि मेटाफिजिकल पोइट की फेवर में है, इसका मतलब ये हुआ कि वो अगेंस्ट किसके हुआ, वो अगेंस्ट इस चीज़ के हुआ कि ना तो पूरी की पूरी पोइट्री इंटेलेक्ट के ऊपर बेस करनी चाहिए, ना ही पूरी की पूरी पोइट्री इमोशंस के ऊपर बेस करनी चाहिए, और खासकर वो रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ इमोशंस होते हैं ना उसके अंदर, इमेजरी इमोशंस इमोशंस अगेंस्ट था उस चीज़ के। और ये दोनों फिर एक दूसरे के आमने सामने समझ लो हो गए कि एक तरफ अगर एस टी को लीजिए तो दूसरी तरफ टी.एस. सीलर खड़ा होगा, ठीक है। इसने भी पोइम्स लिखी हैं, पोइट भी है रहा है, ड्रामाटिस्ट भी है रहा है टी.एस. सीलर ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहता है कि मेटाफिजिकल जो पोइट्री होती है वो नाइदर क्वेंट होती है और ना ही फैंटास्टिक होती है। अब क्वेंट का मतलब होता है अजीबो गरीब, ठीक है। अजीबो गरीब का मतलब है कि आप एक वेग किस्म की कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को वेग बना दो। वो कहता है ना ही ये बहुत ज़्यादा क्वेंट होती है और ना ही फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का मतलब यहाँ पे फैंटेसी है असल में, इमेजिनेशन, ठीक है। ना ही टू मच वेग या इनकम्प्लीट इसके अंदर चीज़ें होती हैं और ना ही टू मच इसके अंदर इमेजिनेशन होती है। कहने का मतलब उसका क्या हो गया फिर कि ना ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट का अमल दखल होता है, ना ही बहुत ज़्यादा इसके अंदर इमोशंस का अमल दखल होता है। फर्स्ट उसने ये फेवर दे दी इसको। सेकेंड वो कहता है कि मेटाफिजिकल पोइट्स इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि वो अपनी पोइट्री के अंदर कंट्रास्टिव इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रास्टिव इमेजेस कंसीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, ठीक है, यानी दो मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस को मिला के एक इमेज बना दिया जाए, ठीक है। जैसे वो उसमें जॉन डन वो गोल्ड वाली एग्जांपल लेता है, लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस भी, ठीक है। वो कहता है कि जुदाई को वो कहता है कि हमारी जुदाई गोल्ड की तरह है कि जितना इसको कूटोगे ये उतनी ही एक्सपेंड होती जाएगी, ठीक है। फिर वो लव को वो कंपस वाली एग्जाम्पल, ठीक है, के कंपस की तरह है लवर और बिलवड, ठीक है। और फिर वो एक जगह पे लव को कहता है कि ये स्पाइडर की तरह है, मकड़े की किसी जाल की तरह है, ठीक है, इस तरह की एग्जाम्पल। तो ये सारे क्या है, कंट्रास्टिव इमेजेस हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, यानी टी.एस. सीलर ये कहना चाहता है कि ना तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों की, मतलब रीडर क्या करेगा, ना ही बहुत ज़्यादा चीज़ों की गहराई में जाएगा, इमोशनल बनेगा, ना ही बहुत ही ज़्यादा कोई आप उसके लिए इंटेलेक्ट पैदा करोगे, ठीक है। कंट्रास्टिव इमेजेस जो है ना जस्ट क्या करेंगे, रीडर्स को एक्साइट करेंगे। क्या हुआ है तो ये कंट्रास्टिव इमेजेस का इसमें इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट बात वो ये करता है, आप कंट्रास्टिव इमेजेस को आप ले सकते हो कि हम कह सकते हैं कि सेंसुअस इमेजिनेशन भी इसे कह सकते हैं। सेंसुअस इमेजिनेशन का मतलब होता है यानी ऐसी इमेजिनेशन जो आपको सेंसेस दे, सेंसिबिलिटी आपके अंदर पैदा करे, ठीक है। अब ये टी.एस. सीलर के व्यूज हैं, ठीक है। वो कहता है सेंसुअस इमेजिनेशन सिर्फ मेटाफिजिकल पोइट ही दे सकते हैं और कोई पोइट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो कहता है सेंसेस उस वक्त डिवेलप होंगी जब फ्यूजन ऑफ इंटेलेक्ट और इमोशन होगा। रीडर को ना ही आप वो ज़रा इंटेलेक्ट के पीछे लगा दो, ना ही बोल रहा इमोशंस के पीछे लगा दो। अब ये दो तरह के वर्ड होते हैं, एक होता है सेंसुअल, एक होता है सेंसुअस। तो वो सेंसुअल जो होता है वो सेक्सुअल होता है, ये सेंसुअस जो है इसका ताल्लुक सेंसेस के साथ है। दोनों यानी दोनों ही उसके अंदर मौजूद है, यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं ना, यानी कि उसने ब्लेंड कर दिया है दोनों को। मेटाफिजिकल पोइट्री का मतलब यह है
कि ब्लेंड ऑफ इमोशन एंड इंटेलेक्ट, उसके अंदर एट द सेम टाइम इमोशन भी मौजूद है और एट द सेम टाइम उसके अंदर इंटेलेक्ट भी मौजूद है. जैसे कि हाँ डन की सारी के सारी पॉइंट्स उसकी एग्जांपल है. जैसे कि वो कंपास की एग्जांपल है, वो कहता है कि वी आर टू, हम दो लवर जो है लवर ऑफ लवर्ड कंपास की तरह है, ठीक है, एक सेंटर में ठहरा रहता है और दूसरा जो है वो मूव करता है, और फिर जब सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो वो अपनी जगह पे मिल जाता है. तो वो यही कहता है कि अगर हम जुदा भी हो रहे हैं तो बाय नेचर हम जुदा नहीं है. जैसे कि कंपास ऊपर से जुदा नहीं होती, सिर्फ अपना सर्कल कंप्लीट करने के लिए अलग होती है, ठीक है. ये एक एग्जांपल है. अब इसके अंदर इंटेलेक्ट ऐसे है कि उसने एक उस वक्त साइंस भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही थी, तो उसने मैथमेटिकल एक टर्म यूज करके कंपास को रख दिया, तो वो इंटेलेक्ट हो गई उसकी, ठीक है. और साथ उसने इमोशन यूज कर दिया लवर और बिलवर के साथ, उसको कंपेयर कर दिया, तो फ्यूजन हो गया ना इंटेलेक्ट का और इमोशन का. तो यहाँ पे इसको तो डिस्कस करते हुए आप पूरा का पूरा जोन डन को डिस्कस कर सकते हो सिंपल, ठीक है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है. बस ये चार छः पॉइंट आप डेली का डेली एक पॉइंट जहन में रखते जाओ ना, तो एग्जाम तक आपको ये पानी की तरह होगा डियर सीरियड, कोई इसमें मसला नहीं है. उसके बाद वो कहता है कि यही बात इससे मिलती है जो भी हम कर रहे थे कि मेटाफिजिकल जो पोएट्री होती है वो एसोसिएट कर देती है ऑथर को विद द रीडर के साथ, यानी रीडर जो कुछ भी हमें प्रेजेंट कर रहा होता है, हाँ, उसका मतलब वो कोई इमेजिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा माइंड, रीडर का माइंड सिर्फ एक्साइट होगा, ठीक है, एक्साइटमेंट भी सिर्फ पैदा होगी कि इंटेलेक्ट भी इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर इमोशन भी मौजूद है. जैसा राइटर प्रेजेंट करेगा वैसा ही हमारा माइंड भी बन जाएगा, ठीक है. ना ही हम बहुत ज़्यादा गहराई में डूब जाएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा हम कोई रीजनिंग की बात करेंगे, ठीक है. जैसे आप पोप की अगर पढ़ो तो बंदा बोर ही हो जाता है उसको पढ़ के, इसकी ब्लेंडा का जो उसने रखा हुआ कॉन्सेप्ट, इतना स्टायर और इतनी रीजनिंग ही रीजनिंग और स्टायर ही स्टायर. तो उसके बाद ये सारी बातें आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है. पोप की एग्जांपल भी दे सकते हो कि उसमें रीजन ही रीजन है, ठीक है. एसटी कॉलेज की एग्जांपल दे सकते हो, इमोशन ही इमोशन है, तो डीएस इलेक्ट इन चीज़ों के अगेंस्ट है. वो किसकी फेवर में? फ्यूजन ऑफ इंटेलेक्ट और इमोशन की फेवर में, जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री करते हैं. अब ये वाला टॉपिक है बहुत अहम है इस वाले से, और इसी हवाले से क्वेश्चन भी आता है कि यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, या यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी से क्या मुराद है अकॉर्डिंग टू टीएस एलियट. तो अब जैसे हमने ऊपर बात की कि यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी का असल में ताल्लुक यहाँ पे टीएस एलियट के मुताबिक रीडर नहीं है कि रीडर की सेंसेस डिवेलप हों, ठीक है, रीडर की सेंसेस के अंदर कोई यूनिफिकेशन पैदा हो जाए, ऐसा इसका मतलब नहीं है. यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब ये है यहाँ पे टीएस एलियट के मुताबिक कि वो कहता है कि मेटाफिजिकल पोएट्री के अंदर दो तरह की सेंसेस को यूनिफाई कर दिया जाता है. एक मिला देना, यूनियन यूनियन बना देना, ये क्या कर देना उस चीज को, ठीक है. तो दो तरह की सेंसेस जो है वो इससे इसको मिला देना जो है वो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है. इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कहना चाहता है कि एक सेंस इमोशन है, ठीक है, और एक सेंस इंटेलेक्ट है, तो उसको राइटर जो मेटाफिजिकल पोइट है वो यूनिफाई कर देता है उसको, ठीक है. उसको टीएस एलियट ने नाम दिया है कि यूनिफिकेशन ऑफ, हाँ, ये जो पूरी की पूरी मेटाफिजिकल पोइट्री होती है ये यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी होती है. अभी आगे जाके हम बताएंगे कि उसने ये क्यों कहा था. ये उसने असल में जवाब में कहा था डॉक्टर जॉनसन के, जो उसने क्लेम दिया था ना, उसके जवाब में उसने कहा था. वो कह रहा था कि जी ये तो हाइड्रोजीनस आइडियाज का इस्तेमाल करते हैं, ये तो जी बड़े स्ट्रेंज नॉलेज होता है इनका, अजीब मतलब ना समझ में आने वाला नॉलेज होता है. तो टीएस एलियट कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये तो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करते हैं, यूनिफाई करते हैं मतलब के इंटेलेक्ट को और इमोशन को. तो यहाँ जो आप ये बात ध्यान में रख लो कि दो सेंसेस को यूनिफाई कर देना इसका मतलब है एक सेंस इमोशन है, दूसरी इंटेलेक्ट है, ठीक है. इसीलिए वो फिर रीडर पर भी तो वैसा ही इम्पैक्ट पड़ेगा ना, उसकी सेंसेस भी अगर हम लें तो उसके अंदर भी यूनिफिकेशन ही पैदा होगी, ठीक है. तो ये पूरे के पूरे पूरा का पूरा मेटाफिजिकल पोएट्री के अंदर सिर्फ ये एक ही पॉइंट जरा मजे का है और अच्छा है जो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है. इसके बारे में जितना आप पढ़ सको आप इसको पढ़ो, बाकी आपको कुछ भी नहीं टीएस एलियट के हवाले से पढ़ने की जरूरत. ये सिर्फ पॉइंट जहन में रखो, जो बातें मैंने बताई हैं वो जहन में रखो, लेकिन यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी के बारे में मजीद आप इसको रीड करो, मुख्तलिफ किस्म के आप इसमें से पॉइंट्स निकालो बुक में से. उसके बाद ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि वो इसको एलिजाबेथन ट्रेडिशन मानता है मेटाफिजिकल पोएट्री को. टीएस एलियट कहते हैं कि इसको ट्रेडिशन के तौर पे फॉलो किया जाना चाहिए,
उसके बाद सिक्स पॉइंट को कहता है कि ये इसलिए अच्छी है मेटाफिजिकल पोएट्री क्योंकि इसकी वजह से रीडर के अंदर एक्साइटमेंट पैदा होती है, ठीक है, और इसके और हार्मनी भी उसके अंदर पैदा होती है माइंड ऑफ रीडर, यानी बहुत ज़्यादा वो किसी चीज़ की गहराई में ही डूब जाता, ठीक है, उसकी मतलब हार्मोनाइज रहता है उसका माइंड भी, और जैसे कि एक्साइटमेंट, जैसे आपने जोन डन पढ़ा था तो शायद आपको भी हो माइंड में कि मतलब एक एक्साइटमेंट सी फील होती है जैसे उसको पढ़ के कि अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा व्यूज है, ठीक है, इस तरह की बात होती है, हार्मनी रहती है उस रीडर के माइंड में। अब इसके हम क्लेम्स की बात करते हैं, मेन इसमें यही है कि डॉक्टर जॉनसन के क्लेम्स को आप रख के डिस्कस करते जाओ, ये अगर ना भी लिखो ना तो पार्ट वन की जो बुक है ना वहाँ से आपने इसको फिर पढ़ लेना है। डॉक्टर जॉनसन के क्लेम्स सर ने जो क्वेश्चन बनाया है मेटाफिजिकल पोएट्री का, उसमें डॉक्टर जॉनसन के वो चार पॉइंट्स लिखे गए हैं, याद है वो था दे अफेक्टेड अ पेक्यूलियर विथ, जिसमें भी डिस्क्राइब एज अ काइंड बॉब डिस्कॉर्डिया कंकर्ड, ठीक है, हार्शनेस एंड इररेगुलरिटी ऑफ देयर वर्ड, ठीक है, और उसके बाद था दे मेड अ पेडेंटिक डिस्प्ले ऑफ देयर स्ट्रेंज नॉलेज, ठीक है, ये चार पांच पॉइंट थे डॉक्टर जॉनसन के। तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट था डॉक्टर जॉनसन का खत्म हो गया मटर, वहाँ से आप रीड कर लेना, इसके चारों पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहली पॉइंट में वो कहता है कि ये लाइन तो बहुत मशहूर आपको भी याद होगी कि इन मेटाफिजिकल पोएट्री टू हेटरोजीनियस आइडियाज आर योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर, ठीक है, ये आप इसमें डिस्कस करोगे कि डॉक्टर जॉनसन ने ये कहा था। असल में वहाँ पे तो आप पढ़ रहे थे ना कि अच्छा अपना क्रिटिक ये कह रहा है, अपना क्रिटिक ये कह रहा है, लेकिन असल में वो जो डॉक्टर जॉनसन के पॉइंट थे वो स्टाइल था मेटाफिजिकल पोएट्री के ऊपर, ठीक है, डॉक्टर जॉनसन का जो उसने ये बात कही थी कि इन मेटाफिजिकल पोएट्री टू डिफरेंट हेटरोजीनियस आइडियाज आर योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर, हेटरोजीनियस आइडियाज दो मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज आर योक्ड, जबरदस्ती उनको मिला दिया जाता है बाय वायलेंस टुगेदर, वायलेंस टुगेदर तशद्दुद के साथ, यानी जबरदस्ती उनको इंगेज कर लिया जाता है, हाँ, उनको जबरदस्ती आपस में दो डिफरेंट आइडियाज को मिला दिया जाता है, दो मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज को मिला दिया जाता है। तो इसका जवाब ने क्या कहा टीएस एलियट ने, टीएस एलियट ने इसका जवाब ये दिया कि तुम कह रहे हो कि मेटाफिजिकल पोएट्री में जो है टू डिफरेंट हेटरोजीनियस आइडियाज को योग कर दिया जाता है, तो टीएस एलियट ने कहा कि भाई साहब डॉक्टर जॉनसन आपकी अपनी पोएट्री के अंदर हेटरोजीनियस आइडियाज मौजूद है, आप बताओ, ठीक है, उसने ये इसका जवाब दिया। उसके बाद डॉक्टर जॉनसन ने कहा था मेटाफिजिकल पोएट्स दे मेड अ पेडेंटिक डिस्प्ले ऑफ देयर स्ट्रेंज नॉलेज, ठीक है, पेडेंटिक का मतलब होता है बेहतरीन तरीके से, अब ये स्टाइल चल रहा है, ये स्टाइल है डॉक्टर जॉनसन का, पेडेंटिक का मतलब बेहतरीन तरीके से डिस्प्ले कर देते हैं ऑफ देयर स्ट्रेंज नॉलेज, ठीक है, उसने कह दिया कि मेटाफिजिकल पोएट्स जो होते हैं उनका नॉलेज जो है ही अजीबो गरीब, यानी समझ में ना आने वाला, ठीक है, अपने स्ट्रेंज नॉलेज को वो समझते हैं, उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर वो उसके बाद कहता है कि दे अफेक्टेड अ पेक्यूलियर विट विच मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ काइंड ऑफ डिस्कॉर्डिया कंकर्स, वो कहता है दे अफेक्टेड का मतलब यहाँ पे है एग्जैजरेट कर देना, अजीब तरीके से बयान कर देना, ठीक है, अफेक्टेड अ पेक्यूलियर विट, वो कहता है मेटाफिजिकल पोएट्स ये समझते हैं कि उनकी खास किस्म की जो विट है ना वो तो उसको एग्जैजरेट कर देते हैं, और वो कहते हैं कि उनकी ये विट है, ठीक है, उनकी एग्जैजरेशन को वो अपनी विट समझते हैं, वो तो बस अजीब तरीके से चीज़ों को ब्लेंड करके पेश कर देते हैं और वो नाम देते हैं कि ये उनकी विट है, ठीक है, जहानत है, हाँ। तो आगे वो कहता है विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ काइंड ऑफ डिस्कॉर्डिया कंकर्स, डिस्कॉर्डिया कंकर्स वैसे एक डिफिकल्ट वर्ड है, सर ने इसका यूज़ किया हुआ है, डिस्कॉर्डिया कंकर्स का मतलब है डिसहार्मनी, ठीक है, तो उसका जवाब हमें यहाँ पे भी मिल गया ना, वो कहता है कि ये अपनी खास किस्म की विट जिसको समझते हैं मेटाफिजिकल पोएट, वो इनकी एग्जैजरेशन है और ये एग्जैजरेशन रीडर के माइंड में डिसहार्मनी पैदा करती है, ठीक है, तो उसके जवाब दिया टीएस एलियट ने इस तरह से कि ऐसा नहीं है, बल्कि मेटाफिजिकल पोएट्री तो एक्साइट करती है रीडर के माइंड को और उनके माइंड के अंदर हार्मनी को कायम रखती है, ठीक है, ये उसने इसका जवाब दिया था। तो उसके बाद वो कहता है डॉक्टर जॉनसन के हार्शनेस इनकी पोएट्री जो है वो हार्शनेस होती है इनकी पोएट्री में इररेगुलरिटी होती है विच इज सूटेड ओनली टू द आई नॉट टू द ईयर, वो कहता है कि इनकी पोएट्री तो बस ऐसे है
कि आप इनकी पोएट्री उठाओ, ये कोई पोएट्री है, पढ़ो बस, अच्छा बस, आंखों को ही अच्छी लग रही होती है, कानों को कोई सूट नहीं कर रही होती। कानों के लिए मतलब कि सेंसेस के अंदर कुछ नहीं पढ़ रहा रीडर के, बस ओनली आंखों के लिए अच्छी है कि बस पढ़ लिया, ठीक है, अच्छा ये लिखा इसने, ठीक है, मतलब कि सेंसेस को, सेंसेस के डेवलपमेंट के साथ इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसके जवाब में कहता है ये सीलेट कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो राइटर्स जो लिखते हैं, मेटाफिजिकल कोर्स जो लिखते हैं, वो तो यूनिफाई करते हैं, वो जो कुछ भी प्रेजेंट करते हैं वो तो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, ठीक है, वो कोई हार्शनेस नहीं है या इरेगुलरिटी नहीं है उनके अंदर, ठीक है। ये सारे उसके तकरीबन चार उसके क्लेम्स हैं, ये आप माइंड में रख लो, वो उसको आप बेशक वहीं से, आपने पहले भी वो चीज़ें याद की हुई हैं, वो चार पॉइंट आप वहाँ से याद कर लो, उसकी जो कोट है हेटरोजीनियस आइडियाज वाली वो आप याद कर लो, और उसके डिफेंस में टी एस सीलेट क्या क्या कह रहा है वो आप साथ मेंशन करते जाओगे, और उसके अलावा जो कुछ भी उसने डिफेंस दिया है मेटाफिजिकल पोएट्री को वो आप सारा का सारा उसको हाईलाइट करते जाओगे। इसके अलावा एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा ये कहूँगी कि अगर आपको कोई क्रिटिक का कोट मिलता है जो कि टी एस सीलेट के बारे में हो, ठीक है, कि टी एस सीलेट ने ऐसा कहा है या उसकी फेवर में हो, कोई भी ऐसा जो कि आप क्वेश्चन के अंदर पुट कर सको अगर आ जाए तो, क्रिटिक बस आप वो कोर्स वगैरह ढूंढ लो, उसके अलावा ये सात आठ पॉइंट्स ही बस आपने जहन में रखे हैं इसके हवाले से। चलो जी, थैंक यू सो मच। अगर अभी आप जहन में कोई है क्वेश्चन तो पूछो, इसका नाम रखें मुझे भी।